नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। लातेहार में हाल ही में हुई एक घटना जिसमें लातेहार क्षेत्र के 7 बच्चों की मौत हो गई, जहां खुद कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष बंधु तिर्की मौके का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर लातेहार के उपायुक्त ने उन्हें वहां रोकने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि लातेहार के उपायुक्त ने बंधु तिर्की से कहा कि उस क्षेत्र में वो ना जाए, क्योंकि वो मुस्लिम बहुमूल इलाका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लातेहार के उपायुक्त स्वयं एक मुस्लिम है। ऐसे में जब उन्होंने इस तरह की बात कही है, तो अब ये बात काफी तेजी से राजनीतिक तूल पकड़ चुकी है। जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी इस वायरल हुए ऑडियो के लिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हुआ है, इसमें ये बात पता चलती है कि जो उपायुक्त है, उन्होंने किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए इस तरह की बात निकाली है, इस तरह के शब्द निकाले हैं। आइए देखते हैं ऑडियो में क्या कहा है प्रतुल शाहदेव। देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लातेहार डीसी और बंधु तिर्की के बीच की बातचीत है, बंधु तिर्की जी ने खुद उसकी पुष्टि की है। लेकिन ये सरकार जिस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति करती है, अब तो अफसर भी सरकार की वही भाषा बोलते दिख रहे हैं। डीसी बंधु तिर्की जैसे जनप्रतिनिधि को कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को जो घटना हुई थी जिसमें 7 बच्चियों की मौत हुई थी, वैसे जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बात कहा कि जो इलाका है वो मुसलमानों का इलाका है, उस एरिया के सर्कल ऑफिसर भी मुसलमान है और खुद डीसी यानी खुद वो भी मुसलमान है। तो भाई, जब डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप शपथ लेकर निकलते हैं कि आप जाति और धर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद डीसी फिर से कैसे खुद को मुसलमान बता रहे हैं? हम तो यही जानते थे कि अफसरों का काम सेवा करना होता है, यही उनकी जाति और यही उनका धर्म होता है। लेकिन यहाँ खुद को मुसलमान बताना और पूरे चीज को एक सांप्रदायिक आईने से देखना, ये बहुत ही गलत राजनीति प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त डीसी बंधु तिर्की को नसीहत देते दिख रहे हैं कि भाई, आपकी पार्टी और आप तो सतही तौर पर मुसलमानों के पक्ष में खड़े दिखते हैं, जबकि असलियत ऐसा नहीं है। और दूसरा डीसी ये कहते दिख रहे हैं कि बंधु तिर्की जी, आपको तो मुसलमान ही वोट करके मांडर से चुनाव जिताते हैं। तो एक अफसर का, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना और मुसलमान शब्द का बार बार प्रयोग करना, हमें लगता है ये बेहद आपत्तिजनक है और राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि जो धर्म संप्रदाय के आधार पर जो अफसर आजकल बात करने लगे हैं, इस पर रोक लगे। तो सुना आपने प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव की बात कि उन्होंने किस तरह से कहा कि बंधु तिर्की ने जिस तरह से इस ऑडियो की पुष्टि की है, ऐसे में कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें साफ नजर आती है, क्योंकि उनका कहना है कि लातेहार के उपायुक्त तो उन्हें ये नसीहत देते नजर आ रहे थे कि जिस क्षेत्र में जहां 7 बच्चों की मौत हुई, उस क्षेत्र में बंधु तिर्की ना जाए, क्योंकि वो मुसलमानों का इलाका है, जबकि स्वयं वहां के उपायुक्त एक मुसलमान है। ऐसे में अब बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी की ये मांग है कि इस पर जांच बैठाई जाए और इस पूरे मामले की जांच की जाए कि आखिर मामला है क्या। आगे देखना होगा कि आखिर जिस तरह से उपायुक्त ने इस तरह की बात निकाली है, और खुद बंधु तिर्की इस बात को मानते हैं, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उतने बड़ा मुद्दा नहीं है जितना इसे बनाया जा रहा है। तो आगे देखना होगा कि ये मुद्दा और कहाँ तक जाता है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया रांची।